भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्टी ने मांग की है कि गायों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए गौ अभयारण्य बनाया जाए और उनकी देखरेख और उपचार के लिए अलग से विभाग बनाया जाए। सिंगरौली में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गौवंशों के संरक्षण एवं उनकी हत्या को प्रतिबंधित माना गया है, लेकिन फिर भी देश में गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। यदि हमें गायों को सुरक्षित व संरक्षित करना है तो इसके लिए हमें गौ अभयारण्य बनाना होगा। अभयारण्य में जैसे अन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही गौ माता को सुरक्षित रखा जाएगा और इसके साथ ही उनकी देखरेख व उपचार आदि की व्यवस्था के लिए अलग से एक विभाग भी बनाया जाएगा, जिससे रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा। गौ माताओं की वजह से हजारों पब्लिक भी एक्सीडेंट हो रही हैं। एक तरफ हमारी गौ माताओं का भी नुकसान हो रहा है, हमारी मेरी पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। उन भी काल के गाल में समा जा रहे हैं। हजारों की संख्या के देश भर में प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। गौ माताएं भी हमारी काल के गाल में समा जा रही है। दोनों की रक्षा हो सके तो गौ माता के लिए गुरुदेव जी की मांग है कि जिस तरह से शेर चीता भालू के लिए निर्धारित अभयारण्य उनके लिए बनाए गए हैं, बल्कि उनके लिए तो निरीह पशुओं की नित्य हत्या करके उनको भोजन भी कराए जा रहे हैं, तो हमारी गौ माताओं के लिए भी ऐसे ही अभयारण्य संरक्षित किए जाएं। जिले में जिले स्तर के, प्रदेश में प्रदेश स्तर के गौ अभयारण्य बनाए जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।